हेलो दोस्तों, एंड गेम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट एंड गेम्स जो ग्रैंड मास्टर के लेवल की है वही मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये पोजीशन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे वन मूव में व्हाइट की क्वीन बन रही है, लेकिन ब्लैक ये गेम जीत रहा है। दो वेरिएशन ऐसे है जिसमें ब्लैक इज विनिंग, सिर्फ व्हाइट के पास एक ऐसा सरप्राइज मूव है जिसकी वजह से व्हाइट गेम ड्रॉ कर सकता है। अब सबसे पहले हम एनालिसिस देखते हैं कि अगर ये पॉन व्हाइट ने सी एट क्वीन बना दिया तो व्हाइट सिंपल गेम लॉस हो जाएगा। कैसे? यहां पे सिंपल बिशप एफ फाइव चेक्स, क्यूअर किंग सी सेवन, देन बिशप टेक्स क्वीन, आफ्टर किंग टेक्स बिशप, सिंपल बी फाइव और अनस्टॉपेबल क्वीन हो रही है। तो ये वेरिएशन में व्हाइट लॉस हो रहा है दोस्तों, व्हाइट लॉस हो रहा है। हमें व्हाइट को ड्रॉ करवानी है गेम परफेक्ट कैलकुलेशन के बाद। आप भी सोचिए, अगर ये व्हाइट ने दूसरा वेरिएशन यूज किया, सपोज व्हाइट ने अभी किंग डी सिक्स कर दिया, तब क्या होगा? किंग डी सिक्स के बाद सिंपल बिशप एफ फाइव, आफ्टर किंग सी फाइव, ब्लैक विल प्ले किंग ई फोर, आफ्टर किंग बी सिक्स, देन बिशप सी एट, सिंपल ब्लैक की विनिंग है। किंग ए सेवन अगर किया तो बी फाइव, और ये पॉन स्टॉप नहीं हो सकता और व्हाइट का पॉन ऑलरेडी ब्लैक ने रुका हुआ है। एक वेरिएशन मैं बताऊंगा जिससे गेम ड्रॉ हो सकती है, वो वेरिएशन कौन सा है आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए और सोच के मुझे बताइए, मैं आपको बताता हूं अभी। सबसे पहले व्हाइट को खेलना है किंग ई सी एट, सरप्राइज मूव है दोस्तों, किंग सी एट। अब ब्लैक को ये पॉन बचाना है तो सिंपल बी फाइव ही बचा सकता है। उसके बाद अब आपको खेलना है किंग डी सेवन। नेक्स्ट मूव में ब्लैक पॉन खेलेगा बी फोर, उसके बाद किंग डी सिक्स। अब यहां पे व्हाइट ने थ्रेट दी है चेक क्वीन बनाने की, तो बिशप एफ फाइव फोर्स मूव हो गया और यहां किंग ई फाइव से बिशप पे अटैक करता है। आफ्टर बिशप गोज एनीवेयर किंग डी फोर, और उसके बाद ब्लैक अगर ये पॉन खेलता है तो यहां पे किंग सी थ्री, और ये गेम ड्रॉ हो जाएगी, कंपल्सरी ड्रॉ है। लेकिन कौन सा मूव? अब ऐसा मूव दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि किंग को पीछे ले जाने का क्या मतलब है। जनरली हमारी एक मेंटालिटी है दोस्तों कि चेस जब हम खेलते हैं तो किंग को जल्दी से सामने वाले के पॉन के पास ले जाते हैं, कोई रूट हम पसंद नहीं करते हैं। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। एंड गेम में आपका जितना पावरफुल कैलकुलेशन होगा आप इतनी ही गेम जल्दी जीतोगे या ड्रॉ निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले मूव किंग डी सिक्स ही दिखेगा कि मेरी क्वीन मैं बनने दूं और उसके पॉन को जल्दी से पकड़ लूं। तो ये वेरिएशन अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ये किंग सी एट वाला मूव किसी को भी नहीं मिलेगा दोस्तों। पीछे से पॉन को कौन पकड़ता है? लेकिन कुछ मूव ऐसे होते हैं, हिडन मूव बोलते हैं उसको, छुपे हुए मूव, जो हम ध्यान से बहुत ही डीप में कैलकुलेशन करेंगे तो ही मिलेगा। तो ऐसे ही जबरदस्त एंड गेम के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है दोस्तों। अभी एंड गेम के बहुत सारे वीडियो देखने बाकी है। चलिए दूसरी पोजीशन आपको दिखाता हूं। ये जो पोजीशन आपके सामने है, इक्वल मटेरियल है दोनों के पास, इक्वल पॉन है, फिर भी ब्लैक इज विनिंग। ब्लैक ये गेम जीत सकता था लेकिन ब्लैक ने एक मिस्टेक कर दी जिसके वजह से गेम हो गई ड्रॉ। यहां पे कैसे मिस्टेक की है और क्या खेलना था वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम ब्लैक की मिस्टेक देखते हैं। बिशप टेक्स जी सेवन ब्लैक ने खेला, सबसे पहले बिशप टेक्स जी सेवन और व्हाइट ने रिप्लाई दिया बिशप टेक्स एफ फाइव। बिशप टेक्स एफ फाइव के बाद यहां पे सिंपल किंग क्रॉस एफ फाइव और ब्लैक ने किंग क्रॉस जी फाइव, सॉरी जी सेवन, उसके बाद ब्लैक प्लेड ए फाइव। पॉन प्रमोशन की ब्लैक की प्लानिंग है। व्हाइट ने खेला है एच फोर, किंग जी फोर, ब्लैक उसे पकड़ सकता है तो किंग जी सिक्स, उसके बाद किंग क्रॉस एच फोर और किंग आ गया एंट्री में किंग एफ फाइव,
ब्लैक प्लेयर किंग जी थ्री, किंग ई फोर, किंग एफ टू, किंग डी फाइव, किंग ई थ्री, किंग टेक सी फाइव, किंग डी थ्री, किंग टेक्स बी फाइव, किंग सी टू, किंग टेक्स ए फाइव, देन किंग टेक्स बी थ्री और गेम हो गई ड्रॉ। दोस्तों एक मिस्टेक, जो पोजीशन में जो खेलना था वो डिसीजन आपका श्योर होगा तो रिजल्ट कुछ और ही होगा। मिस्टेक क्या थी वो मैं बताता हूं। सबसे पहले ब्लैक को खेलना था बिशप ई सिक्स चेक, ये गेम ब्लैक की विनिंग है। आफ्टर किंग जी सिक्स उसके बाद बिशप टेक्स जी सेवन, आफ्टर किंग टेक्स जी सेवन देन बिशप टेक्स बी थ्री। अगर व्हाइट एच फोर करता है तो बिशप डी वन और एच फोर को सिंपल कंट्रोल कर लेना है। बिशप डी वन, आफ्टर बिशप जी सिक्स ब्लैक कैन प्ले सी फाइव एच फाइव, देन सिंपल बिशप टेक्स एच फाइव, बिशप टेक्स एच फाइव और यहां पे थ्री पॉन वर्सेस वन पॉन है तो बी फोर ब्लैक कैसे उसे कंट्रोल करता है। लाइक यहां पे बिशप डी वन ए फाइव, उसका किंग आउट ऑफ प्ले है तो ये गेम ब्लैक के हाथ में आ गई। दोस्तों क्वीन के सामने सेवंथ रैंक में पॉन है, क्वीन के सामने तो सेवंथ रैंक वाले कौन से पॉन में क्वीन वाला प्लेयर जीत सकता है, कोई बता सकता है यहां पे? नाइट पॉन, क्वीन पॉन और किंग पॉन, ये चार पॉन ऐसे हैं जहां पे क्वीन वाला प्लेयर जीत सकता है। जैसे कि यहां पे ब्लैक की क्वीन पॉन है तो ये पॉन वन मूव में क्वीन बन रही है और ये गेम व्हाइट इज विनिंग, ड्रॉ नहीं हो सकता, लेकिन इसकी पूरी टेक्निक है। तो ये चार पॉन में विनिंग है। अगर आपके पास क्वीन वाला पॉन है या फिर किंग वाला पॉन है या फिर सामने वाले के पास नाइट वाला पॉन ऑन सेवंथ रैंक, तो इतने पॉन में आप विनिंग कर सकते हो। बिशप पॉन और रूक पॉन में मोस्टली ड्रॉ होता है, एक्सेप्शन कोई पोजीशन के ऊपर डिपेंड है, कभी कभी जीत सकते या विन हो सकता है व्हाइट कोई पोजीशन में, रेयर पोजीशन। अब देखो कैसे इसमें जीतना है, इसकी स्टाइल क्या है। वन मूव में ब्लैक क्वीन बनाने की थ्रेट दे रहा है तो यहां पे सबसे पहले क्वीन को नजदीक लाना है। क्वीन सी सेवन चेक, ये मेथड ध्यान से देखिए। किंग बी सेवन या फिर बी वन ले लीजिए, कोई भी मूव ले लीजिए। अगर किंग डी वन जाता है तो यहां पे पॉन प्रमोशन अभी रुका हुआ है तो आप अपना किंग इस टाइम पे खेल सकते हो। तो ध्यान रखिए कि किंग को स्ट्रेटेजी क्या है कि सामने वाले के किंग को पॉन के पीछे लाना है जहां पे वो क्वीन बन रही है, और जब वो किंग पॉन के पीछे आएगा एक मूव होल्ड होगा और आपका किंग एक मूव गेन करेगा ऐसे ऐसे। तो जैसे कि क्वीन सी सेवन, ब्लैक चाहेगा कि किंग बी वन या तो बी टू जाएगा। नेक्स्ट मूव में आपको देना है क्वीन बी सिक्स से चेक। अभी भी ब्लैक सपोज यहाँ पे किंग सी वन खेल रहा है, हर बार ब्लैक की एक थ्रेट रहती है कि नेक्स्ट मूव में उसकी क्वीन प्रमोट करना है, लेकिन हम उसे प्रमोट नहीं होने देंगे। क्वीन सी फाइव चेक, वापस से किंग बी टू सपोज, क्वीन बी फोर चेक, किंग सी टू, अब आपको क्वीन सी फोर चेक देना है, किंग बी टू। अब यहां पे ध्यान रखिए क्वीन से पॉन पे अटैक करो, अब ये पॉन नेक्स्ट मूव में मर रहा है तो यहां पे ब्लैक क्या खेलेगा? ऑब्वियसली किंग सी वन इज अ बेस्ट ऑप्शन। तो किंग सी वन के बाद यहां दीजिए क्वीन सी थ्री चेक, अब इसे कंपलसरी किंग डी वन जाना पड़ेगा और नेक्स्ट आपको एक मूव मिला है गेन करने के लिए किंग डी सेवन। अगर ब्लैक खेलता है ई सेवन पे, देखो ई एट पे खेलेगा तो ऑलरेडी पॉन पिन हो जाएगा और आप किंग का मूव कर सकते हो, तो यहां पे ब्लैक खेलेगा किंग ई सेवन, फिर से वही चक्र दोहराइए, क्वीन सी फोर चेक, किंग बी एफ टू सपोज, तो यहां पे क्वीन
d3 अटैक द पॉन, वापस से उसे अंदर जाना पड़ेगा। और यहाँ किंग e3 से चेक दो, फिर से किंग d1 और वापस से किंग अप आ रहा है। सेम पोजीशन यहाँ पे अगर किंग c2 खेलता है तो आप किंग चेक दीजिए, आफ्टर किंग b2 सिंपल अटैक द पॉन, किंग c1 फोर्स और किंग c3 चेक और किंग d1 फोर्स, फिर से किंग पॉन के पीछे गया, उस टाइम पे आपको किंग चलाना है। अब धीरे धीरे आपका किंग नजदीक आ रहा है किंग e2 और यहाँ पे आपको देना है चेक आफ्टर किंग e1। यहाँ पे किंग e4 से चेक दीजिए, किंग f2, फिर से पॉन पे अटैक कीजिए किंग e1 और यहाँ क्वीन e3 से चेक, किंग d1 और किंग को मिला एक और एक्स्ट्रा मूव, आफ्टर किंग c2 सिंपल क्वीन c3 चेक और किंग d1 और अब वाइट इज विनिंग सिंपल आफ्टर किंग d3। तो ये स्ट्रेटेजी है क्वीन वर्सेस पॉन की, ध्यान से ये इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मजा आएगा कि अगर हमारे पास क्वीन है, सामने वाले के पास पॉन है तो हम कैसे जीत सकते हैं। ध्यान रखिए ये सिर्फ नाइट पॉन, किंग पॉन और क्वीन पॉन में पॉसिबल है, रूक पॉन में मोस्टली गेम ड्रॉ होती है। देख लीजिए रूक पॉन अगर है आपके पास, सामने वाले के पास, आपका किंग कहीं दूर है, तो यहाँ पे ये गेम परफेक्ट ड्रॉ है, क्योंकि आप कोई भी चेक दो वो किंग अंदर चला जाएगा a1 पे। उसके बाद अगर आपने किंग मूव किया तो स्टेलमेट आती है, क्योंकि किंग कहीं बाहर नहीं निकल सकता, तो आप किंग मूव नहीं कर सकते। उसे अगर चेक देते हो तो वापस किंग b1 आ जाएगा, यहाँ चेक दोगे तो वो वापस किंग a1 आ जाएगा। तो ये सिचुएशन में आपको फिर से उसे जगह देनी पड़ेगी और ऐसे ऐसे गेम ड्रॉ होगा, उसका कोई प्रोग्रेस नहीं होगा किंग के मूव का। बिशप पॉन में भी यही हालत है दोस्तों, बिशप पॉन अगर है ब्लैक के पास तो यहाँ पे किंग b1 है, जैसे कि आप चेक दे रहे हो तो किंग जाएगा a2 पे, किंग a6 चेक, किंग फिर से नजदीक आके चेक दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चेक, और जब आप b3 से चेक देते हो तो किंग a1 चला जाएगा। अब आप पॉन मार भी नहीं सकते, अगर पॉन मार लिया तो स्टेलमेट हो जाएगी। अगर आपने क्वीन किंग मूव किया तो यहाँ पे ब्लैक कैन प्रमोट हिज क्वीन। तो ये भी सब पॉन में भी ड्रॉ है, एक्सेप्शन ये है दोस्तों कोई ऐसी स्क्वायर है जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर किंग इधर है और ये सिचुएशन है तब ये गेम ड्रॉ नहीं होगी, भले ही भी सब पॉन है। यहाँ पे सिंपल क्वीन a1 आ जाएगा और पॉन की लाइन में क्वीन आने के बाद मोस्टली गेम विनिंग है, अगर किंग c4 देन क्वीन c1। अब ये गेम ड्रॉ नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे स्टेलमेट की कोई पोजीशन नहीं है, स्टेलमेट की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ध्यान रखिए ये क्वीन एंडिंग है। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग एंड गेम सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द ही मिलेंगे दूसरी एंड गेम के साथ। जय हिंद, जय गुजरात।